हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो हाउ आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज डू टेल मी दिस थिंग फर्स्ट एंड टेल मी हाउ इज योर जोश माय डियर फ्रेंड्स। आई नो समटाइम्स इन लाइफ यू विल फील, यू डोंट फील गुड, यू डोंट फील दैट यू शुड वर्क, यू डोंट फील that you should study. I know this thing happens. You will lose track of your timetable, of your planning, etc. Guys, this is the time in which you have to let go of your emotions, let go of your feelings, and focus and study and just sit and work hard. Guys, there is no elevator to the success. You have to take the stairs. And while taking the stairs, sometimes you will feel tired. Sometimes you will feel lethargic. But these are those times in which you have to keep your spirits high, sky high, rocket high. So guys, with that thing in mind, let's start today's class. And my dear friends, this is Grade Up Daily Current Affairs. Sahi prep hai to life set hai dosto. Sabse pehle to is class ko like kare. Bhai, like nahi dikh rahe mereko, fatafat se class ko like kare dosto. Please do that. That is my humble request to you. Please, please, please like the class. Fine. Guys, दूसरी चीज, प्लीज इसको शेयर करें सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, जहां कहीं भी हैं, इसको आप कृपया करके, मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप प्लीज शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास का शुभ आरंभ। पहली न्यूज जो आ रही है वो है आपकी इंडियन ऑयल अवार्ड्स मैंडेट टू SBI। देखिए दोस्तों, अच्छा ये तो कल की न्यूज आ गई गलती से, दोस्तों माफ कीजिएगा, एक सेकंड रुक गया। जी हाँ, यहां से शुरू है क्लास। जी, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021 दोस्तों शुरू करते हैं बात। देखिए भाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक UN बॉडी है, जिसको एस्टैब्लिश 1919 में किया गया था दोस्तों, 11 अप्रैल के दिन, आप देख सकते हैं इस दिन, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप देख सकते हैं, एस्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था ILO को दोस्तों। इसकी एस्टैब्लिशमेंट को 101 साल हो गए हैं, इस साल 102 साल हो जाएंगे। ये UN बॉडी है, इट इज अंडर यूनाइटेड नेशंस ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। गाइज, ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि UN की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होती हैं, जिसमें से पहली है आपकी, बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दूसरी है आपकी गाइज UN सेक्रेटरिएट, तीसरी है आपकी UN ECOSOC, तीसरी है दोस्तों आपकी UN SC सिक्योरिटी काउंसिल, एंड देन आपकी UNGA और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो बंद हो गई है। तो UN ECOSOC के अंदर आपको मिलेगा ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, ILO की ये रिपोर्ट है, ये एनुअल रिपोर्ट है, जिसका नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। वेज यानी कि इनकम के ऊपर दोस्तों ये रिपोर्ट बात करती है। गाइज, इस बार का जो थीम रहा है, इस बार का जो मेन फोकस ये रहा है कि मिनिमम वेज कितनी है इन द टाइम्स ऑफ COVID-19। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। गाइस देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इन द पीरियड ऑफ 2006 टू 2019 इन द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज में यानी कि सबसे जो कम वेज है उसके अंदर बहुत अच्छी इंक्रीज, इंक्रीमेंट दोस्तों हुआ है। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं, तो जो हमारी मीडियन मिनिमम वेज है वो 269 रुपीज पर डे है, यानी कि ये
आपकी एवरेज मीडियन मिनिमम वेज है, इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये बात बोलती है ये रिपोर्ट। गाइस इसके अलावा आप देखोगे यहां पर फोकस है कोड ऑन वेजेस 2019 दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो वेजेस को देखते हैं, है ना, उन सभी लॉज को एक साथ यूनिफाई करने का कोशिश किया जा रहा है अंडर कोड ऑफ वेजेस 2019 में। आप देखेंगे बहुत सारे लॉज थे जिनको ये लॉज हैं आपके, कौन कौन से हैं देखिए, द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 एंड द मिनिमम वेज एक्ट 1948। इन सबको सबस्यूम करके आप वेज कोड के अंदर डाल रहे हैं जिससे कि सारे लॉज का कोडिफिकेशन हो जाए और मल्टीप्लिसिटी खत्म हो जाए, है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मुलापरियार डैम के बारे में। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको पहले बेसिक ज्योग्राफी बता, देखो ये एक डैम है मुलापरियार डैम, और ये जो मुलापरियार डैम है ये मुल्लायार रिवर, ये मुल्लायार रिवर और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, तभी इसका नाम क्या है मुल्लापरियार। तो पेरियार रिवर केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। आप देख सकते हैं केरला के रिवर्स के बारे में आपको बता देता हूं, यह है भारतपुज़ा रिवर जो अन्नामलाई हिल्स से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी में जाकर अपने आप को एम्प्टी करती है, भारतपुज़ा। उसके बाद शिवगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे हैं, यहां से जो कार्डेमम हिल्स का हिस्सा है यहां से एक रिवर राइज करती है दोस्तों, और इस रिवर का नाम है पेरियार। क्या नाम है? रिवर पेरियार। क्या नाम है दोस्तों बताइए? रिवर पेरियार। दोस्तों रिवर यहां से ओरिजिनेट करती है आप देख सकते हैं और जाकर गिरती है किसमें बताइए दोस्तों? गिरती है अरेबियन सी। तो दोस्तों इस रिवर के ऊपर ये डैम है, और ये डैम दोस्तों असली बात यह कि इस डैम का कंट्रोल तमिलनाडु के पास है, ब्रिटिश टाइम से ही तमिलनाडु जो है यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी वो इस डैम को कंट्रोल कर रही है दोस्तों, आप इस चीज को देख सकते हैं, जहां पर तमिलनाडु के पास 999 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट है। दोस्तों ये जो आपके रिवर है ये तमिलनाडु करता गया, तो तमिलनाडु आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर आप ये मैप देखेंगे ये वाला, एक सेकंड रुकेगा, तो यहां पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और ये जो एरिया है तमिलनाडु का ये आपका रेन शेडो एरिया है। तो इस रिवर से इस रेन शेडो एरिया, ये जो एरिड सेमी एरिड रीजन है तमिलनाडु का, यहां पर पानी पहुंचाया जाता है गाइस इस डैम के थ्रू। सो ये डैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के लिए, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, सो गाइस ये देखिए न्यूज में इसलिए क्योंकि यहां पर फोकस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 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 कमेटी क्रिएट करी थी, सुपरवाइजरी कमेटी टू लुक आफ्टर दिस मुल्लापेरियार डैम। फाइन, तो रिसेंटली आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी, यानी कि जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो जब आप एकदम एपिटोम पे पहुंचेंगे अपनी जॉब के रिटायरमेंट से पहले, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छे तो आप एक चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हेड। फाइन, तो गाइज यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था तमिलनाडु केरला को, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी को लतार यानी कि डांट मारी कि भाई कर दे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो गाइज ये बेसिक सी एक न्यूज थी जो मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं पेरियार रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी है, मुठिरापुज़ा रिवर, मुल्लायार रिवर, चेरुथोनी रिवर, पेरिनजकत्ती रिवर एंड इद्दामाला रिवर। सारी याद करने की जरूरत नहीं है बट मैंने आपको बता दिया है। फाइन, तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। चलिए दोस्तों, हेलो कैसे हैं भाई माधुरी जी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, ये पॉलिसी 2018 में आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, पर हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ले रही है,
दोस्तों आज के समय पे जब पेट्रोल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हाई है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे ऐसी पॉलिसीज जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी हों और हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम करें, ऑब्वियसली हमें एम्फेसाइज करना ही पड़ेगा ऐसी पॉलिसीज को ऐसे टाइम पे। गाइस देखिए, बायोफ्यूल्स होते बेसिकली क्या हैं, पहले तो आप ये चीज समझिए दोस्तों। बायोफ्यूल्स यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो आप बायोलॉजिकल सोर्सेस से सोर्स करते हैं, क्या गाइस लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो आप सोर्स करते हैं। मान लीजिए आपकी बायोफ्यूल्स होती है तीन तरह के दोस्तों। पहला है आपका बायो इथेनॉल को आप नॉर्मल पेट्रोल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों आपका बायो डीजल को आप डीजल फ्यूल के अंदर मिक्स कर सकते हैं, और आपका फिर होता है बायो सीएनजी। ऑब्वियसली इसको आप नेचुरल गैस के साथ, एलपीजी सीएनजी के साथ आप इसको मिक्स करके कर सकते हैं दोस्तों। अब बायो इथेनॉल गाइस ऐसा फ्यूल है जिसको आप शुगर बेस्ड प्लांट से डिराइव करते हो बेसिकली। फाइन, ये इथेनॉल है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर यहां पर है तो उसको पता होगा कि अल्कोहल कौन सी श्रेणी का ग्रुप है ना। ऐसे ही बायोडीजल ईथर होता है और बायो सीएनजी आपकी मीथेन गैस होती है। फाइन, ये चीज क्लियर है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों 2018 में ये बात बोली गई थी, 2018 में ये बात बोली गई थी कि बाय द ईयर ऑफ 2030 हमें पेट्रोल में 20% बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है, 20% ब्लेंडिंग मैंडेटरी है, और डीजल में हमें 5% की ब्लेंडिंग एट मिनिमम करनी ही करनी है। तो इससे फायदा क्या होगा गाइस, देखिए जो बायोफ्यूल्स हैं उससे एक तीर से दो नहीं तीन शिकार आप कर सकते हो। तीन कौन कौन से शिकार आप कर सकते हो, देखिए भाई बायोफ्यूल के क्या एडवांटेजेस हैं आप देखिएगा दोस्तों। पहली चीज, आपके एनवायरमेंट के लिए ये काफी अच्छे होते हैं ऑब्वियसली। दूसरी चीज गाइस, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मैनेजमेंट में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सेकेंडली, बायोफ्यूल आपका इंपोर्ट बिल कम करते हैं, हाँ ना। और दूसरी चीज गाइस, ये आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को भी बचाते हैं, क्योंकि आप फॉरेक्स रिजर्व्स को ही खर्च कर रहे हो पेट्रोल खरीदने के लिए, हाँ या ना, बताइए आप मुझे। तो गाइस काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपके बायोफ्यूल यूज करने के लिए। फाइन, इसके अलावा गाइस ये आपकी फार्मर्स की इनकम को भी सप्लीमेंट करते हैं, फार्मर इनकम। तो इतने ज्यादा आपके बेनिफिट्स हैं, और मेंस के अंदर यही चीज आपको लिखनी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, इसी तरह से आप देख सकते हैं। फाइन, तो गाइस देखिए, ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये चार जनरेशन के होते हैं। देर आर फोर जनरेशन ऑफ दीज बायोफ्यूल्स, मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो भाई, जनरेशन वन में फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स। जैसे आप गन्ने का इस्तेमाल कर रहे हो, शुगर केन, शुगर बीट, जिसको आप खाते हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो टू क्रिएट फ्यूल। तो यहां पर एक इशू हो जाता है, और वो इशू है फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। यानी कि आप चीज को फ्यूल के लिए उगाने लगोगे फिर, और ऑब्वियसली अगर आप एक जमीन का हिस्से का इस्तेमाल फ्यूल उगाने में कर रहे हो तो वहां पर फूड नहीं उगेगा और फिर खाने में कमी हो जाएगी दोस्तों। सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स। जैसे कि आपका पराली है जिसको आप जलाते हो, है ना, उससे आप बायोडीजल बना सकते हो, है ना, या फिर बायो इथेनॉल उससे आप बना सको, है ना दोस्तों। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल होते हैं, इस पे फोकस किस चीज का है आप देखेंगे, एल्गी बेस्ड। ये एल्गी से बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको बना सकते हैं। आपको यहां पर एग्रीकल्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों।
तीन जनरेशन हैं बायोफ्यूल की, आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे कि जथरोफा प्लांट है वो सेकंड जनरेशन में आता है, जथरोफा से आप बायो डीजल बना सकते हो, है ना, बायोफ्यूल बना सकते हो। तो गाइस बायो इथेनॉल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कहां से आता है पहले ही बता चुका हूं, पूरी चीज आपको लिखवा चुका हूं। मैं ये आशा करता हूं कि आपने चीजें लिख ली होंगी अपनी कॉपीज में, ये वाला डायग्राम बना लिया होगा, बिकॉज ये डायग्राम भाई फॉर्म फॉर्म में बन जाता है, बना लोगे तो बढ़िया है, नहीं बनाओगे कोई नहीं, सो जाओ भाई, नींद आ रही है प्यारो, नींद आ रही है, नींद आ रही है, एक काम करो खड़े हो, पांच पांच पुशअप मारो और दोबारा क्लास करने बैठो, नींद आ रही है। अभी रात को इंस्टाग्राम कौन करेगा, लेटे लेटे यूं सोने से पहले वीडियो पे वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो पे वीडियो कौन देखेगा, अरे यार वो काम भी तो करना है, अभी से नींद आ रही है, कमाल करते हो यार, कमाल करते हो पांडे जी। चलो भाई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आगे बात करते हैं बायोफ्यूल्स की, हमें बारे में हमने बात करी दोस्तों, डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, फाइन। हाँ, बायोडीजल के बारे में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि बायोडीजल आप कहां से बनाते हो, बायोडीजल को आप बनाते हो कहां से, वेस्ट ऑयल। जब आप कुकिंग करते हो दोस्तों, फ्राइंग करते हो, खासकर रेस्टोरेंट्स में, तो जो उनका वेस्ट ऑयल होता है उससे आप बायोडीजल क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, है ना। तो देखो वो भी एक हजार्ड है, हजार्डियस एक वस्तु है, एक हजार्डियस केमिकल हो जाता है ऑयल, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो हमारे एक्वाटिक बॉडीज में लीक हो जाए, या फिर मेरे प्यारे मित्रों वो हमारे जब आप उसको बर्न करते हो तो उससे फ्यूम्स भी निकलती हैं उनके उस बेकार तेल से। तो उस वेस्ट ऑयल को आप बायोडीजल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, याद रखो, फाइन। दोस्तों ये कहानी है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको बता दिया है, एनवायरनमेंट इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हेल्थ बेनिफिट्स हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी आपकी, सब तो बता दिया मेरे प्यारे मित्रों एक छोटे से डायग्राम द्वारा। फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मेरा भी थोड़ा सा जो जोश है वो लो हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं पढ़ाता हूँ लो जोश में, पढ़ के देख लेते हैं, थोड़ा सा लो जोश, भाई लो जोश में पढ़ाऊंगा आज, हाई नहीं होगा मेरे जोश, माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, LGBTIQ फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंट्रीज को LGBTIQ फ्रीडम जोन बना दिया है, यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों अगर कोई भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो वहां जाके फ्रीडम से अपना जीवन बसर कर सकता है, ठीक है, ओके ओके मेरे प्यारो, ये बात समझ में आती है। चले अभी भी ना लाइक तो मुझे दिख रहे नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं भाई, मैं अभी तकिया ले आया हूँ, चलो भाई सो लेते हैं, सो लें क्या, व्हाट डू यू वांट मी टू स्लीप, कम्युनिटी स्लीपिंग कर लेते ना, इट्स गुड, बचपन में कराई होगी नर्सरी केजी क्लास में आप लोगों को, आहा हा, ठीक है। अब तो और रिलैक्स वे में और लो जोश के साथ को पढ़ाता हूं, ठीक है, सोते सोते क्या, व्हाट डू यू वांट, टेल मी, उठ जाओ प्यारो, लाइक द सेशन, जोश लेकर आओ, अंदर से आग जलाओ, आग बुझाओ मत, जो अंदर आपके आग जलती है ना कुछ कर गुजरने की, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम ये कर कर के ना आप अपनी आग बुझा लेते हो, रियलिटी को एग्जिट कर जाते हो दोस्तों। ये नेटफ्लिक्स, ये इंस्टाग्राम पे वीडियोस, ये टिकटॉक, ये यूट्यूब, हॉटस्टार और पता नहीं क्या, ये इतने ज्यादा एडिक्टिव क्यों होते हैं, व्हाई, टेल मी व्हाई, व्हाई दे आर सो एडिक्टिव। Why? Because ये आपको help करते हैं, हाँ जी, they help you to escape the reality. You escape the reality when you watch a movie, watch a show. Guys, जब आप रियलिटी को एग्जिट कर जाते हो तो जो आग लगती है अंदर कुछ करने की, जोश समाप्त,
पानी फेंक देते हो उसके ऊपर आप? यस और नो, टेल मी। सो बी इन रियलिटी, लिव इन रियलिटी, ट्राई टू कीप अप योर फायर माय डियर फ्रेंड्स, एंड दीज थिंग्स दे आर, दे विल लीड यू टू नथिंग, नथिंग। चलिए दोस्तों, न्यूज नंबर 5 की बात कर रहा हूं। देखिए, LGBTIQ का मतलब क्या है? पहली तो ये चीज मेरे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी बाय द वे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए, LGBTIQ का मतलब होता है लेस्बियन। सर्च कर लेना क्या होता है गूगल पे। गे, सर्च कर लेना गूगल पे क्या होता है। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वियर। LGBTIQ कम्युनिटी, दोस्तों यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है दोस्तों कि 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन है, जिसमें से थोड़े दिन पहले ब्रिटेन की एग्जिट हो गई थी, दैट इज LGBTIQ फ्रीडम जोन। यानी कि सारी कंट्रीज के अंदर मेरे प्यारे मित्रों, आपको इस कम्युनिटी के मेंबर्स को फ्रीडम मिलेगी। दोस्तों अगर आप इन 27 देशों को देखें जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, आप देख सकते हैं यहां पे, इसमें से 23 देशों के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगल सैंक्टिटी मिली हुई है। 23 कंट्रीज, दे हैव लीगल सैंक्टिटी फॉर सेम सेक्स मैरिज। 4 देश हैं दोस्तों सिर्फ जहां पर ये फ्रीडम नहीं है यूरोपियन यूनियन में। कौन कौन से देश हैं? पहला तो है उसमें से पोलैंड, दूसरा है दोस्तों हंगरी, जो दो मेन कंट्रीज हैं। क्योंकि बहुत सारे रिलीजियंस के अंदर, लगभग सभी रिलीजियंस के अंदर दोस्तों, होमोसेक्सुअलिटी अगेंस्ट रिलीजन है। यस और नो, इट इज अगेंस्ट द टेनेंट्स ऑफ द रिलीजन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन मोस्ट ऑफ द रिलीजियंस। यस और नो, टेल मी। फाइन। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने सिंबॉलिक वे में LGBT कम्युनिटी को फ्रीडम दी है पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे ब्लॉक के अंदर। दोस्तों LGBTQI कमिटी से जुड़े हुए हैं आपके योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स। ये योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स 2006 में पब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने इनको पब्लिश किया था, जहां पर ये बात उठी थी that yes, we have to provide freedom of sexual orientation. किसकी freedom? Freedom of sexual orientation. उनके according, sexual orientation, my dear friends, is a personal matter, my dear friends. क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों आपको? दोस्तों इंडिया के अंदर भी आप सभी को पता है सेक्शन 377 है, और उस सेक्शन 377 के अंडर मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, उसके अंदर आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि राइट टू यू नो दिस सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड। इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस जो थे वो आए हैं, कुछ केसेस हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको एक ब्यौरा दे देता हूं, अभी प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे कि आपको दोस्तों बाद में प्रॉब्लम ना हो कि इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है LGBT कम्युनिटी का। तो चलिए दोस्तों एक बार इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंडिया के अंदर प्रावधान है, क्या क्या रहा है। चलिए तो देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, क्या हो गया, माफ करिएगा दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, जी हाँ। तो दोस्तों देखिए, सेक्शन 377 आप देखेंगे
1861 में ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐड किया गया था, और इसके अंदर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज इलीगल. एनी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज इलीगल. माय डियर फ्रेंड्स, देख ले, समझ ले. दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, 1991 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने ये फोकस किया था, एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने बात करी थी कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनको इंडिया के अंदर क्या तकलीफें, क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं. और इस आंदोलन के बाद 2009 में नाज फाउंडेशन ने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट सेक्शन 377, अगेंस्ट सेक्शन 377. और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. लेकिन यह रूलिंग थी दिल्ली हाई कोर्ट की, दोस्तों याद रखिएगा, इट इज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की जो डिक्री थी, जो रूलिंग थी, उसको अपोज किया गया, उसको चैलेंज किया गया अंडर सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 377 इज लीगल और होमोसेक्सुअलिटी दोबारा से एक इंडिया में क्राइम बन गया. 2009 केस के बाद जब सेक्शन 377 को हटा दिया था तो होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो गया था. लेकिन दोस्तों, सेक्शन 377 हो या ना हो, सेम सेक्स मैरिज इंडिया में आज तक लीगल नहीं हुई है. फ्यूचर में शायद हो जाए, फाइन, वी डोंट नो. गाइस, दोबारा से एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली नाज फाउंडेशन ने 2016 में, जहां पर मेरे प्यारे मित्रों फोकस रहा दोबारा से सेक्शन 377 को हटाने के लिए. तो हार गई केस. 2017 में जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस हुआ, और वो किसका केस था, राइट टू प्राइवेसी का केस था, जहां पर गाइस फोकस ये रहा कि आप अपने घर में प्राइवेट स्पेस में कुछ भी करें, दैट विल नॉट बी इलीगल, दैट इज योर पर्सनल मैटर. और फिर हुआ दोस्तों लास्ट केस, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि कंसेंशुअल सेक्स अमॉन्ग टू एडल्ट्स, क्या कंसेंशुअल मतलब दोनों एडल्ट्स की कंसेंट है उस सेक्सुअल एक्ट में, मेरे प्यारे मित्रों, वो क्राइम नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ क्राइम. तो गाइस, पूरी हिस्ट्री मैंने आपको यहां पर समझाई कि इंडिया में सेक्शन 377 की क्या हिस्ट्री है. एक बार इन केसेस को देख लीजिएगा, मेंस के एग्जाम में आप डेफिनेटली इनको कोट कर सकते हैं, आपके प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन किसी भी केस से दोस्तों बन सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लाइक करें सेशन को, फाइन. चलिए दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की, जो बात करती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. दोस्तों, रिसेंटली आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल एटमोस्फियर है, वो काफी ज्यादा चार्ज्ड है. और रिसेंटली तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल में अभी रूलिंग पार्टी है, उनके एक एमपी थे राज्यसभा में, उन्होंने स्विच करी है साइड्स. वो पहले तृणमूल कांग्रेस के थे, अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं इलेक्शंस. Fine. So guys, my dear friends, hence, यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ दोबारा से न्यूज में है, यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसने ये बात बोली है कि उनके पुराने एमपी को डिस्क्वालिफाई किया जाना चाहिए फ्रॉम राज्यसभा. तो दोस्तों, जानते हैं कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ. चलिए गाइस, एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड किया गया था 1985 में, थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दोस्तों, दे आर इन द 10th स्केड्यूल. कौन से स्केड्यूल में है? दे आर अंडर 10th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दोस्तों, जो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसके अंदर रूलिंग स्पीकर या फिर चेयरमैन
देंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो डिस्क्वालीफाई करते हैं किसी भी मेंबर को डिपेंडिंग अपॉन दीज लॉ, और इनकी जो रूलिंग है इट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोर्ट के अंदर केस दोस्तों किया जा सकता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। फाइन, तो क्या है भाई एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके अंदर अगर आप डिफेक्ट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एक हाउस की मेंबरशिप से। तो पहला रूल दोस्तों ये कहता है, मान लीजिए पहला रूल ये कहता है दोस्तों, अगर आप बीजेपी के मेंबर थे, उनकी टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा और आप एक एमपी बन गए, लेकिन जीतने के बाद आप कहते हो भाई मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना, मुझे वापस से कांग्रेस में जाना है, तो आप साइड्स को स्विच कर रहे हो और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। या फिर दोस्तों अगर आप बीजेपी के एमपी थे और आपने उनकी टिकट पे लड़ा केस और आपने पार्टी छोड़ दी जीतने के बाद तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए मेरे प्यारे मित्रों जाओगे। अगर आप हाउस के अंदर यानी कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर यू आर नॉट वोटिंग और एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द पार्टी विशेज, यानी कि जो व्हिप होता है, सभी को पता है व्हिप क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वोट नहीं कर रहे, यू और यू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट योर पॉलिटिकल पार्टी, सो तब भी आप गाइज डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इतनी लिबर्टी आपको देता है कि पार्टीज मर्ज हो सकती हैं और दे कैन ऑल्सो ब्रेक। थर्ड गाइज आपका है, अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और आपने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीता है और उसके बाद 6 महीने के बाद आपने सीट ली हाउस में और आफ्टर 6 months यू आर ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तब भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे मेरे प्यारे मित्रों। भाई तबस्सुम आईएलओ के बारे में आपको पहली न्यूज में आपको बताया था, देख लेना, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक इंटरनेशनल बॉडी है, आईपीयू, जो 1889 में क्रिएट की गई थी, हेडक्वार्टर्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड, जहां पर वर्ल्ड के सारे पार्लियामेंटेरियंस एक फोरम पे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। रिसेंटली दोस्तों द्वार्ते पैशियो जो पोर्चुगल के मेंबर हैं, पोर्चुगल की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर है, उनको आप देख सकते हैं, उन्होंने अभी अभी आईपीयू को यू नो एड्रेस किया है और इंडिया ने उनको इलेक्ट करने में 3 साल के टर्म के लिए काफी मदद करी है, उन्होंने इंडिया को थैंक यू बोला है। तो भाई ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बात याद रखनी है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, कहां है, कैसे है और क्यों बनी थी। फाइन, तो गाइस यहां पर आज आपकी क्लास 15 मिनट पहले खत्म होती है, 10 मिनट पहले खत्म करता हूं दोस्तों। सो गाइस आईएएस 2022 का फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स हम आपके लिए लाए हैं, फटाफट से ज्वाइन कीजिए मार्च में। और गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून अगेन टुमारो। गाइस गॉड ब्लेस यू ऑल।